अरे सिमरन कितना टाइम लगेगा तुमको? हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। जल्दी आओ यार, ब्रेकफास्ट करना है मुझे, बाहर वेट कर रहा हूँ। राजू तू यहाँ पे क्या कर रहा? वो मालिक मैं यहाँ की ना सफाई कर रहा था। अच्छा, लेकिन बालकनी तो बिल्कुल साफ। अरे नहीं नहीं मालिक, आप देखिए ना कितनी गंदी हो रही है। वहाँ पे देखो कूड़ा है, वहाँ पे कूड़ा है, ये भी गंदा है मालिक। मैं बस साफ करके आता हूँ, आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। ठीक है। ठीक कर ले। बाप रे, बाल बाल बचा। अगर मालिक को शक हो जाता ना तो मैं कहीं का नहीं रहता, मेरी तो जिंदगी खराब कर देते। पर अपना काम तो हो गया। राजू जी, मैम साहब तुम्हारे साहब है ना, दो दिन के लिए मीटिंग के लिए बाहर गए, ठीक है? और मेरे लिए खाना मत बनाना, और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है मैम साहब, आप सो जाइए। अरे वाह, ये तो मेरा जैकपॉट लग गया। साहब जी दो दिन के लिए बाहर गए और मैडम जी घर में अकेली, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब एक काम करता हूँ, मैडम जी के पास जाता हूँ और अपनी ना दिल की बात कह देता हूँ। प्यार से मानेंगी तो ठीक है, वरना मेरे पास हथियार है ना, मैडम जी को ब्लैकमेल करके जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा। वाह साहब, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सही टाइम पे गए आप। चल भाई लग जा काम पे, मैडम जी मेरा इंतजार कर रही हैं। चलो मैडम जी को उनकी फोटो दिखाई जाए। लगता है मैडम जी सो गई, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं। वाह मैडम जी वाह, साहब ने भी ना मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, दो दिन के लिए बाहर चले गए और मैडम जी को मेरे भरोसे छोड़ दिया। मैडम जी मैडम जी मैडम जी, कितनी खूबसूरत लग रही हो आप और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आप में से। मैडम जी अब आपके साथ जो होगा ना उसकी जिम्मेदार आप नहीं मैं हूं, क्योंकि मेरे पास आपकी ना फोटोज है। अब तो मेरे से रुका नहीं जा रहा मैडम जी। चल भाई। अरे मैडम जी कहाँ गई? मैडम यहाँ है। साहब आप यहाँ कैसे? आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना। कहीं नहीं गया था मैं, तुझे रंगे हाथों पकड़ना था इसलिए यही था मैं। रंगे हाथ? साहब मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तू बकवास बंद कर, ये जो तूने घिनौनी हरकत की है ना मेरे साथ, मैंने सब बताया हर्ष को। ये कौन मैसेज कर रहा है? तुम्हें कुछ फोटोज भेज दूँ, होप सो तुम्हें पसंद आएगी। ये तो मेरे फोटोज हैं। ये ऐसे अश्लील फोटो, अगर ये वायरल होगा मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मुझे अभी जाके हर्ष को बताना चाहिए। हर्ष हर्ष ये देखो, ये फोटोज किसने क्लिक किए? ये मेरे अश्लील फोटो, पता नहीं मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तुम एक मिनट रुको, मैं इस नंबर पे कॉल करके देखता हूँ। मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, तुम प्लीज कुछ करो, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। देखो तुम घबराओ मत, मुझे दो मिनट दो बस। हर्ष
क्या करूंगी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हर्ष प्लीज कुछ भी करो, मैं प्लीज शांत हो जाओ, मेरा नाम खराब हो जाएगा। देखो प्लीज स्ट्रेस मत लो सिमरन, मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसा कौन कर सकता है यार। ये अगर वायरल हो गए तो बहुत बदनामी होगी, समझो बात को। एक सेकंड, मैं समझ गया ये काम किसका है। किसका? हमारे नौकर राजू का। राजू? राजू ऐसे कैसे कर सकता है? सब समझ में आ रहा है सिमरन मुझे। मैं सुबह जब बालकनी में गया था ना और तुम बाथरूम में नहा रही थी, तब वो ऊपर खड़ा हुआ था कुर्सी के ऊपर, मुझे लगा कि जैसे वो खड़ा है और मुझे देख एकदम से उतर गया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने पता क्या बोला कि मैं बालकनी की सफाई कर रहा हूँ। और यू नो व्हाट, उसके हाथ में कोई झाड़ू नहीं थी सिमरन। क्या? हाँ, और वहाँ पे एक बगल में चेयर भी रखी थी। मुझे गड़बड़ तो फील हुई थी उधर, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ काम ही कर रहा होगा। उसकी इतनी मजाक की आज ये सब कर रहा है, इसके माँ बाप मेरे यहाँ पे काम करके जा चुके हैं, पर ये इतना घिरा हुआ इंसान निकलेगा। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ तुम बस वैसा करो, ठीक है? तुम्हारी फोटोज कहीं वायरल नहीं होगी, ठीक है ना? और मैं डिलीट कराऊंगा उसको। तो मैंने इसको सबक सिखाओ प्लीज। हाँ ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करती हूँ। तो तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? साले अपनी मालकिन पे गंदी नजर डाल रहा, तू उनकी गंदी गंदी फोटोज खींच रहा। पता है तेरे पे शक कहाँ हुआ मुझे, फिर तू बालकनी में खड़ा था ना, कोई झाड़ू नहीं थी तेरे पास और तू सफाई किस चीज से कर रहा था बोल, और उधर एक चेयर रखी हुई थी। डाउट तो मुझे तभी हुआ था तेरे ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी कोई गलत फहमी है, तूने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता, तू तो सांप है सांप, इसकी तैयारी कर रहा है, अपनी मैडम को ब्लैकमेल कर रहा है तू, और उनके साथ ये सब हरकतें करना चाहता है। जब तूने इनको फोटो भेजी ना तो मेरे पास आई, इसलिए मुझसे पूछा, तब मैं समझ गया कि ये सारी हरकतें तेरी हैं। तूने नया फोन खरीदा ना तूने, टच वाला, तेरा टच वाला फोन तो अब मैं निकालूंगा। एक बात बता, क्यों किया तूने इसे, क्यों किया? साहब साहब मुझसे गलती हो गई साहब, मैं बहक गया था, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती कर दी। आप साहब इतने अच्छे हैं, मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसी गलती। साहब मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैम साहब आप भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम साहब। मुझे शर्म आती है, तूने इतनी गंदी हरकत की है, तू जितना सीधा दिखता उतना है नहीं राजू। अबे तेरी गरीबी पे तरस खा के ना हमने तुझे नौकरी पे रखा था, ठीक है? मुझे लगा था कि चलो ठीक है दो पैसे कमा लेगा अपनी माँ का इलाज करा लेगा, लेकिन मुझे क्या पता था तेरी माँ के ठीक होते ही तू यहाँ पे सांप बन जाएगा। अरे अपनी मालकिन पे गंदी नजर डाल रहा तू, शर्म नहीं आई तेरे को ये सब बिल्कुल भी करते हुए? एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि इनकी वजह से मेरा घर चल रहा है? हाँ तू छी यार, शर्म आ रही तुझे अपने साथ रखते हुए मुझे? और सुन, माफ नहीं करूंगा मैं तुझे, तुझे तो क्या मैं तेरे खानदान को भी सोसाइटी के आसपास नहीं भटकने दूंगा। तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, बात मेरे ऊपर होती ना तो मैं शायद झेल देता हूँ, लेकिन बात आज मेरी वाइफ पे, और अब जहाँ मेरी वाइफ पे बात आएगी ना उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो पुलिस के हवाले करूंगा देखना। साफ 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 साहब मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ ना साहब, पुलिस को मत बताइए। अगर आप पुलिस को बताएंगे और ये बात माँ को पता चल जाएगी, माँ तो जीते जी मर जाएगी साहब। साहब अभी माँ ठीक हुई है साहब, मैं बोल रहा हूँ मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैम साहब मुझे एक मौका चाहिए मैम साहब, साहब जाने दीजिए साहब, गलती हो गई। राजू ये कोई छोटी गलती नहीं है, तुझे तुझे माफ कर दे, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तेरा फोन कर, तेरा फोन दे मुझे, फोन दे मुझे, पासवर्ड बता इसका, पासवर्ड बोल। 1 2 3 4 4 अनपढ़ गवार साला। ये देखो, तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी, और ये तेरा फोन हमेशा मेरे पास ही रहेगा एज अ प्रूफ, क्योंकि फोटो तो तू निकलवा लेगा दोबारा से। लेकिन हाँ ये मैं सोचू कि मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा, तुझे पुलिस के हवाले जरूर करूंगा, रुको मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। साहब साहब जाने दीजिए ना साहब, साहब मेरी माँ के लिए मुझे जाने दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, साहब मेरे को अपनी गलती का एहसास, साहब प्लीज जाने दो जो। सुनो इसकी पहली गलती समझ के इसे माफ कर देते हैं। देख ले ये है तेरी मालकिन, इतनी घटिया घटिया फोटोज खींची, इतना गलत सोचा तूने उसके बारे में, और वो तेरे बारे में अभी सोच रही है, इंसानियत सीख इससे। और हाँ ये मत सोचो कि मैं तेरी गरीबी पर तरस खा के तुझे छोड़ रहा हूँ, तो तेरी मालकिन कह रही थी इसलिए,
आज के बाद यहाँ आसपास भी दिखाई मत दियो। चल अब निकल यहाँ से, निकल। देखो तुम घबराओ मत, अब सब ठीक है और सारी फोटोज मेरे पास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आगे से हम लोग कोई अच्छा नौकर रखेंगे घर बार देख के।